नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर में 10वीं वाहिनी बटालियन मकरोनिया में पदस्थ एक आरक्षक फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करते पकड़ा गया है, जिसको मकरोनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 10वीं वाहिनी बटालियन में पदस्थ आरक्षक सुमित जाटव ने पुलिस आरक्षक बनने की ललक में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था और उज्जैन में आरक्षक भर्ती हुआ था। फर्जी आरक्षक को लेकर मकरोनिया थाना प्रभारी जेपी ठाकुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई है। दरअसल विगत दिनों किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल में आरक्षक सुमित जाटव ने फर्जी दस्तावेजों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सन 2018-19 में उज्जैन में हुई पुलिस भर्ती में सुमित जाटव द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाने की शिकायत की गई थी। जांच उपरांत पाया गया कि सुमित ने हरिजन का जाति प्रमाण पत्र नौकरी हथियाने के प्रयास से लगाया था, जिसके विरुद्ध मकरोनिया थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी आरक्षक सुमित जाटव को इटावा से हिरासत में ले लिया गया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। थैंक यू। ये सन 2019 की बात है, 18-19 में जो आरक्षक भर्ती हुई थी उस दौरान सुमित कुमार पिता श्याम सिंह गरदिया पाल है, समाज का है, ये निवासी इटावा का रहने वाला है। उस दौरान ये उज्जैन से भर्ती हुआ था और उसने अपनी जाति सर्टिफिकेट में हरिजन का प्रमाण पत्र लगाया था, उस बेस पे भर्ती हो गया था। जो SAF 10वीं वाहिनी में इसकी पोस्टिंग के लिए इसको आदेश किया गया, उस दौरान इसकी शिकायत हुई थी कि इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया है जो बैकवर्ड का है। उस जांच के दौरान ये मुकदमा 66/19/420 का पंजीबद्ध किया गया था। इसकी विवेचना SI ड्यूटी उपाध्याय आरडी उपाध्याय द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान टीम को इटावा उनकी भेजा गया था, जो आरोपी को पकड़ कर लाए हैं, इससे पूछताछ की गई है और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं, जिसमें इसका सही जाति प्रमाण पत्र बैकवर्ड का है, लेकिन फर्जी इसने कूट रचित जो है डॉक्यूमेंट SC के जिला भरने से तैयार कर भर्ती सिलेक्शन हो गया था, जिसके विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया गया, जिसमें अपराध धारा 420/417 बढ़ाया जाएगा, इसे गिरफ्तार कर जाएगा, इसकी विवेचना की जाए। सर क्या